हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आवेशन क्या होता है बच्चों? कि किसी भी अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात कुल आवेश जीरो होता है, उसको धनावेशित या ऋणावेशित कर देना ही आवेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही आवेशन कहते हैं। या तो हम उस वस्तु को धनावेशित या उस वस्तु को ऋणावेशित कर दें। ठीक है बच्चों, आवेशन की तीन विधियां होती हैं। पहली होती है घर्षण द्वारा, दूसरी होती है संपर्क द्वारा, और तीसरी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन की इस विधि में आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर हम विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देते हैं। यह आवेशन की इस विधि का नाम प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने ये परिभाषा लिख दी है कि जब एक अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, स्पर्श में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो आवेशन की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। दो मुख्य बातें हैं, एक तो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाना है, और नंबर दो ये बात है कि जो अनावेशित वस्तु है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक चालक गोले को प्रेरण द्वारा ऋणावेशित करना। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक पहले पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले हम एक चालक गोला लेते हैं। ये बच्चों एक चालक गोला है, ठीक है, एक चालक गोला लेते हैं, और हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक या प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है, मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, और उस पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। तो इसमें जितने भी धनावेश होंगे उतने ही इसके अंदर ऋणावेश होंगे, इसीलिए इस पर कुल आवेश जीरो होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर टोटल चार्ज या कुल आवेश की बात करें तो वो कितना है? जीरो। आवेश तो है लेकिन इस पर कुल आवेश जीरो है। अब इस आवेशित गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। इसके अंदर बच्चों पांच पॉइंट हैं। ये पहला पॉइंट हो गया जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एक चालक गोला लेना है और उसे एक कुचालक स्टैंड पर रखना है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको ऋणावेशित करना है। तो जैसा इस गोले पर आवेश लाना है उसके विपरीत आवेशित क्षण हमें इसके समीप लानी पड़ेगी। दूसरा स्टेप, अब हम क्या करेंगे कि इसके पास एक धनावेशित क्षण को लेके आएंगे। तो अब हम इस उदासीन या अनावेशित गोले के पास एक धनावेशित क्षण लेकर आते हैं और उस धनावेशित चालक क्षण को इस गोले के संपर्क में नहीं लाते हैं, उसे इससे स्पर्श नहीं कराते हैं। ठीक है बच्चों, दूर ही रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अब क्या होगा देखते हैं आगे अपन। तो ये जो धनावेशित क्षण है वो इस चालक गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है बच्चों, तो सब इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया इसका बायां भाग और ये हो गया इसका दायां भाग, राइट साइड। तो सब इलेक्ट्रॉन बाईं ओर गति करने लग जाएंगे, जिससे बाएं भाग पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और दाएं भाग पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे बायां भाग ऋण आवेशित और दायां भाग धन आवेशित हो जाता है। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट, अब जो दायां भाग है इस छड़ को, पहले हम इसको हटाएंगे नहीं, जब तक प्रयोग नहीं हो जाएगा तब तक इस छड़ को यहीं रखे रहेंगे अपन, और ये गोला, ठीक है, इस सतह पर ऋणावेश और इस सतह पर धनावेश आ जाता है, और ये कुचालक स्टैंड पर रखी है। अब क्या करेंगे बच्चों?
अब हम इसका जो दायां भाग है इसको भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, इस पर उच्च विभव है, उच्च विभव, और इसका संपर्क पृथ्वी से कर देंगे और पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ठीक है बच्चों, ये थर्ड चैप्टर में विभव के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर इस चालक गोले के दाएं भाग की ओर गति करने लगते हैं, और ये तब तक गति करते हैं जब तक कि इसका विभव, दाएं भाग का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर ना हो जाए। जिस प्रकार दो पानी की टंकियों को आपस में जोड़ते हैं, तो एक पानी की टंकी से दूसरी पानी की टंकी में पानी तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के तल बराबर ना हो जाएं। इसी प्रकार बच्चों, एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु की ओर आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि उनके विभव बराबर ना हो जाएं। इधर से चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस सतह पर आ जाएंगे, तो प्लस के चार और माइनस के चार होने से कुल आवेश जीरो हो जाएगा, और आवेश और विभव में समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु पर आवेश देते जाएंगे उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी, जैसे किसी पानी की टंकी जैसे पानी भरते जाएंगे उसके तल में वृद्धि होती जाएगी। तो ऐसे ही जब प्लस के चार आवेश हैं और चार या प्रोटॉन हैं, चार इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, तो प्लस चार माइनस है जीरो, तो इस सतह पर अब जीरो विभव हो जाएगा। और जब दो बिंदुओं के बीच विभव बराबर होता है तो आवेश गति नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल दाई सतह पर ऋण आवेश शेष रह जाता है, और अभी हमने ये धनावेशित छड़ को इससे दूर ही रखा है, इसके कारण ये केवल आकर्षित होने के कारण ये केवल बाई ओर ही एकत्रित रहते हैं। और जैसे ही हम धनावेशित छड़ को हटा देंगे तो इन ऋण ऋण आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण ये पूरे चालक गोले की सतह पर फैल जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को जो कि पहले इस पर जीरो आवेश था, उसे दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देते हैं। तो बच्चों, एक बार और सुनेंगे इसकी भाषा को, कि सबसे पहले हम एक चालक गोला लेते हैं, इसे कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, फिर इसके आसपास एक धनावेशित चालक छड़ लेके आते हैं, तो वह चालक गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे बाएं भाग पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और दाएं भाग पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे बायां भाग ऋणावेशित और दायां भाग धनावेशित हो जाता है। अब दाएं भाग का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन दाएं भाग की ओर तब तक गति करते हैं जब तक कि इसका विभव शून्य ना हो जाए। अब चालक गोले पर केवल ऋणावेश शेष रह जाता है, जो कि छड़ के धनावेश के कारण बाईं ओर एकत्रित रहता है आकर्षण के कारण। और जैसे ही हम इस छड़ को, धनावेश छड़ को हटा देते हैं ऋण ऋण प्रतिकर्षण कारण, यह ऋण आवेश पूरे चालक गोले पर फैल जाता है। इस प्रकार हम किसी भी आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेश वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।